जय जय श्री सीता राम। वर्णानाम रसानाम संसारमपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणां याभ्यामिना न पश्यन्ति स्वान्तरेष्टमीश्वरम् कविकुलकमल दिनेश श्री गोसाई जी की कल देन हारी कवि कविता कमाल की बिकल बिहाल जन बाज के निहाल भय गरी नहीं दालया कराल कली काल की वेदन को ज्ञान दे प्रमाण दे पुराणन को ग्रंथ में राजेश मौले राम नाम माल की ठोंकी ठोंकी ताल कूद के पे अभिमानी किंतु काहू ने न पाए थाव तुलसी के ताल की काहू ने न पाए थाव तुलसी के ताल की। Thank you.
उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। जगत नियंता जगत हर जगदीश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक करुणावरणालय पतित पावन दीन बंधु दया सागर भगवान राघवेंद्र सरकार जी के महति कृपा से कुछ देर सत्संग करके मंगलमय अवसर आप और हम सब प्राप्त है। मानव दर्शन जीवन अर्पण के तत्वाधान में आयोजित आज के ये संत सम्मेलन में पहुँचे हुए समस्त अतिथि वृंद मल्ला, गुरुजन मल्ला, मित्र वर्ग मल्ला, माता बहनी मल्ला, बाहर शहर हुए अतिथि मेहमान मल्ला, श्री सौर संदेश मानस परिवार खैर जिटी महासुमन की ओर से हृदय से वंदन है, हृदय से नमन है। सजना वास्तव में आज संत सम्मेलन हुआ थे, दो साल के अंतराल में आज इतना बड़ा विशाल आयोजन आयोजक समिति के द्वारा आयोजित है। निश्चित ही छत्तीसगढ़ के कोना कोना से सब रमाणी मन पधारे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं। है न, बहुत बड़े आयोजन है आज के आयोजन, ऐतिहासिक आयोजन। अब ऐसे विशाल आयोजन में हमर जैसे अबोध बालक मल्ला भी सम्मिलित रहे के अवसर मिले, आप सबके सानिध्य, आप सबके संग पाए के अवसर मिले, निश्चित है हमारे लिए सौभाग्य के बात है। सजना आओ कुछ देर रामचरित मानस में चर्चा किया जाए। वास्तव में ये रामचरित मानस अपन हम लोग जोड़ना सिखाते, हम मनुष्य हैं, मनुष्य के कर्तव्य का है, मनुष्य के धर्म का है, मनुष्य के जीवन के उद्देश्य का है और अंतिम लक्ष्य का है, ये सारी बात के ज्ञान हम लोग रामचरित मानस से मिलते हैं। राम कथा के प्रथम श्रोता आनने नंदन हनुमंत लाल जी महाराज के छोटे से भजन हो जाए, चाहे कोई सुने या ना सुने, बजरंगबली महाराज बिल्कुल सुनते। राम कथा सुन दे तो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहाँ जहाँ भी राम कथा होते निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज वहाँ कोई ना कोई रूप में विराजे। अब एक ही जगह नहीं, एक साथ करो हजारों जगह भी राम कथा होवत रही ना, तो हजारों जगह हनुमान जी महाराज की उपस्थिति रहते। ऐसे संत प्रवर, भक्त प्रवर, राम कथा के श्रोता और राम कथा के वक्ता हनुमान जी महाराज के कीर्तन हो जाए, स्मरण हो जाए। काबर हनुमान जी महाराज राम के चरण में अनन्य प्रेम करने वाला है और बजरंग बली महाराज की कृपा हो जाही तो निश्चित है हमरो मन की प्रेम राम चरण में बढ़ जही। तो हनुमान जी से प्रार्थना निवेदन कि हे बजरंग बली, राम चरण में हमू मल्ला जोड़ दे, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में हमरो प्रेम बढ़ जाए, हमरो गति बढ़ जाए, यही भाव होना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की जय।
मनोजवं मारुति तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये जय 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 हनुमान जी राम जय 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 हनुमान जी राम बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी आप सबसे भी निवेदन दोनों हाथ से मीठा मीठा ताली बजाते हुए प्रसन्न मन से आनंद मगन होकर के हनुमान जी के कीर्तन में सम्मिलित हो जाओ। गोस्वामी जी महाराज साफ लिखे हैं, जिन यही वारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल निगोए। जेन है भगवान के कथा रूपी जल में अपन मन ल स्नान में कराए, भगवान के चरित्र में भगवान के कीर्तन में जेकर रुचि नहीं रहे, वास्तव में वो लोग कलयुग है तो ठग लेते, कलयुग के द्वारा वो ठगा देते। तो कलयुग में हम लोग मत ठगाए, बल्कि हम कलयुग लोग ठग दें। काबर ये कलयुग है तो कीर्तन के युग है, जगह से तीर प्रसन्न मन से आप ही कीर्तन में सम्मिलित हो जाओ। जय 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 हनुमान जी राम जी जय 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 हनुमान जी राम जी बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी बल बुद्धि विद्या के धाम जी राम जी
छत्तीसगढ़ के कोना कोना से पहुंचे हुए हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के समस्त पदाधिकारी गण, राजमानस संघ धमतरी से आए हुए समस्त गुरुजन और राजीव लोचन मानस संघ से पहुंचे हुए समस्त गुरुजन, साथ ही गांव गांव से आए हुए व्याख्याकार, प्रवचनकार, संगीतकार और श्रोता समाज, आयोजक परिवार, मानव दर्शन जीवन अर्पण के समस्त पदाधिकारीगण, एक बार पुनः आप सबल सादर वंदन, सादर सबल नमन। सजन, ये रामचरित मानस वास्तव में एक जोड़ना तो है, श्री रामचरित मानस नौ अक्षर जुड़े हुए, रामायण के वो तब हो चार अक्षर जुड़े हुए, मने भगवान है कोई भी रूप में आते दुनिया में जोड़े द्वारा थे, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे शिव के रूप में हो, चाहे गणेश के रूप में हो, चाहे दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, कोई भी रूप में ये दुनिया में ईश्वर है बना थे, बिखरे हुए समाज का जोड़े पर ही आते, ये समाज ला तोड़ते फोड़ते कौन, राक्षस मन है, कर ही अनीति जाई नहीं करनी, शीत ही विप्र धेनु सुर धरनी, जतकल निशाचर मन तोड़े थोड़े नहीं थे ना, भगवान फिर से आकर के जोड़ते एक सूत्र में बांधते, गीताकार भगवान कृष्ण कहलते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मनम त्रिजान्य हम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय शंभोनि युगे युगे, युगो युग से ये क्रम चले आवत, ये परंपरा चले आवत है, जब कल राक्षस मन तोड़े थोड़े रही थे, ईश्वर हा करके वो सब जोड़ थे, फिर से धर्म की स्थापना करते, तो कुल मिला के रामायण है जोड़ना तो आए, अब कल झन काली आके जगह बैठी है अपन, है काली इतने झन आके जगह बैठी है, अब कल झन जोड़े का है, रामायण ही जोड़े है, राम कथा ही हम सब लोग यहाँ जोड़े हुए हैं सजना, तो कुल मिला के जोड़ना सीखो, तोड़ना फोड़ना मत सीखो, राक्षस मन के काम में तोड़ना फोड़ना फूट डालना, और संत के काम में भक्त के काम में जोड़ना, घर ल जोड़ो, परिवार ल जोड़ो, समाज ल जोड़ो, राष्ट्र ल जोड़ो, पूरा विश्व ल जोड़ो, भाई भाई ले जोड़ो, बाप बेटा ले जोड़ो, सास बहू ले जोड़ो, देरानी जेठानी ले जोड़ो, पड़ोसी पड़ोसी ले जोड़ो, एक गांव से दूसरे गांव ला जोड़ो, कुल मिला के जोड़ना, गणित के सबसे सरल विषय जोड़ना, गुना करना है, भाग देना है, घटाना थोड़ी कठिन हो सकता, लेकिन ये तो बिल्कुल सरल है भैया, और जौने सरल है तौने हम नहीं कर पाऊंगा। देखो भगवान राम अयोध्या में जन्म ले, सब जन्म लेकर के ही जोड़ना शुरू करी, विश्वामित्र और वशिष्ठ ये दोनों ला जोड़ दी, दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा रही, बड़ा दुश्मनी रही, और यहाँ तक वह दुश्मनी के कारण विश्वामित्र महाराज है तन वशिष्ठ महाराज के सौ जन पुत्र ला मार डरी, और जैसे ही संतान उत्पन्न करे ये जाकर के छीन करके मार डरे, वशिष्ठ जी ला भी कई बार ले मारे के निरर्थक प्रयास करी, लेकिन सफल नहीं हो पाई, है ना, तो ये दोनों के बीच में बहुते भेद रही से, बहुते झगड़ा रही से, भगवान अवतार ली, समावतार लेकर के दोनों का जोड़ दी,
एक ला विद्या गुरु और एक ला राज गुरु के रूप में स्वीकार कर आपस में जुड़ के रहो, है ना। टूटके मत रहो, संवाद करो, विवाद मत करो। अगर जहाँ विवाद होते ना वहाँ विनाश होते, और जहाँ संवाद होते वहाँ विकास होते। रामचरित मानस संवाद तो आए थे, का भुसुंडी गरुड़ प्रति याज्ञवल भरद्वाज महादेव गिरजा प्रति तुलसी संत समाज, ये संवाद चले। का भुसुंडी और गरुड़ ये दो पक्षी है, दोनों अलग अलग पक्ष के पक्षधर है। एक ज्ञान के पक्षधर थे, एक भक्ति के पक्षधर है, लेकिन दोनों के बीच में विवाद नहीं है बल्कि संवाद हो। और जब दो पक्षी के बीच में संवाद हो तो इसी अलौकिक रामचरित मानस के रचना होगी, निर्माण होगी। दो ऋषि के बीच में या केवल भरद्वाज के बीच में संवाद चले तो रामचरित मानस के बढ़िया निर्माण होगा, है नहीं। भगवान शंकर और पार्वती के बीच में बढ़िया संवाद चले तेरे रामचरित मानस के प्रादुर्भाव होगी। भैया तुलसी जी और संत समाज के बीच में संवाद हो तो बढ़िया है रे, रामचरित मानस के उद्गार होगी। मने जोड़ो, एक दल में रहो। एक दल है तो बढ़िया दल है, और दो दल है तो दल दल है नहीं। और जहाँ अनेक दल है तो वहाँ फिर दलल दलल है, निकलना मुश्किल है। तो दलल दलल में हमला नहीं रहना है, अनेक दल में हमला नहीं रहना है, दल दल में नहीं रहना है, एक दल में रहना है। साधना तपस्या कर शास्त्रों को मत करके दुनिया में शांति का जलाया तू मसाल है, कौन बन सकता है तुझसा परोपकारी, हुलसी के लाल गजब किया तू कमाल है। श्री रामचरित मानस का शब्द सप्त बीज है, अर्थ जो निकलता वह वृक्ष सा विशाल है, तेरे लिए ऋण से वो ऋण कोई होगा नहीं, तुलसी के लाल गजब किया तू कमाल है, तुलसी के लाल गजब किया तू कमाल है। माता तुलसी एक ऐसे लाल पैदा करी जेकर नाम हो गए तुलसी, और वह तुलसी है तो ऐसे कमाल कर इसके देखो आज पूरा दुनिया में जोड़ के रखती। रामचरित मानस जैसे अद्विति ग्रंथ आज अगर नहीं होती सुना तो सचमुच में ये समाज नहीं जोड़ती। हम सब में अबका एकता अबका मने प्रेम नहीं हो पाती, तो युगो युग से हम गोस्वामी जी के अधीन से कभी उन्न नहीं हो सकन भैया। ऐसे अद्विति रामचरित मानस हमला मिले है जिन्हें जोड़ना ही सीखा थे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। Thank you.
विश्वामित्र महाराज कहते कि बेटा राम हमन लग तें जोड़ दे मैं समझ गया तें जोड़ित बरा है तो चल लगी समाज में बहुत बिखरे हुए है बहुत टूटे फूटे हुए है सब लग जोड़े लाग पूरा विश्व लग जोड़े लाग ही ये सोच के भगवान राम है विश्वामित्र महाराज भगवान राम ला अयोध्या से निकाली। वास्तव में विश्वामित्र ना होता तो विश्व मंच में राम को लाता कौन, दीन दुखी पतितों को पावन बनाता कौन। सब योद्धा हार गए तिल भर धनुष हिला नहीं, धनुष तोड़कर राजा का शोक दूर भगाता कौन। विश्वामित्र ना होता तो विश्व मंच में राम को लाता कौन। वो कन्ना में ना विश्वामित्र जो विश्व के कल्याण करना चाहे जो विश्वला प्रेम के पाठ पढ़ाना चाहे सब ले एक सूत्र में जोड़ना चाहे वो हरे विश्वामित्र है नी। सर्वे भवंतु सुखिनः के भाव रखने वाला महान संत विश्वामित्र। राम अयोध्या के सीमा ले निकाली सरलीगत रहे ताड़का भयानक रूप लेके गुरु जी कहते बेटा यहू तो चरण में जोड़ एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जान चही निज पद दीना। ताड़काल भगवान अपन चरण में जोड़ ली आगे बढ़ी गुरुदेव है तंत्र थे बेटा ये गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या है पत्थर बने पड़े यहू तो चरण में जोड़ गौतम नारी श्राप वसु पर दे धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर फिर रघुवीर ये लते अपन चरण में जोड़ ले। ओ रे भैया अहिल्या लभी भगवान अपन चरण में जोड़ीश और अहिल्या गौतम दोनों जोड़ीश पति पत्नी लग अलग मत रहो एक में रहो है पति पत्नी अलग मत रहो एक में हो जाओ। ऐला जोड़े के कारण यहू है भगवान विचार कर इसके मैं अपन प्राण प्रिया से मिले पर जाता हूँ सिया जी से मिले पर जाता हूँ अलगाव रहे और मैं मिलन के आनंद लाऊं मैं मिलन के सुख लाऊं ये उचित नहीं है तेकर सती ये बिछड़े हुए मला पहली जोड़ जाऊं। तो पति पत्नी दोनों लोग जोड़ दी आगे गई जनकपुर में जा करके भगवान राम धनुष ल तोड़ दी और धनुष लग तोड़े के बाद माता सीता अपन साथ में जोड़ ली।
रखनी करैया करत परशुराम आगे ते ही समय सुने शिव धनु भंगा आयो भिगूर कमल पतंगा। भगवान अपन विनम्र व्यवहार से मधुर वाणी से परशुराम के घमंड ला भी तोड़ देस और अपन साथ में वाला जोड़ देस। अयोध्या वापस आ गई थी माता कई कई कथे बेटा अभी तक बड़ा कन जोड़े भर बाँचे है और तो 14 साल के समय धर के भगवान फिर निकले है ना। और सबले पहले केवट लपन साथ में जोड़ी सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे से करुणा चित जान के लखन जेन केवट लसा दीनहीन समझे नीच समझे इसे केवट ल भगवान हृदय से लगा लीस अपन साथ में जोड़ दीस। आगे बढ़ी अधम जाति के जन्मे माँ सबरी के कर्ण मूल फल लखा के भगवान अपन साथ में जोड़ लीस माँ के गति प्रदान करी। गिद्धराज जटायु है न मांस भक्षी पक्षी ल भगवान अपन साथ में जोड़ लीस। अविरल भक्ति मांगी वर गिद्ध के निर्धाम तिनके जथोचित क्रिया निज कर किन्हीं राम। सबरी ल माँ के गति प्रदान करी गिद्धराज जटायु ल महाराज दशरथ से भी ऊंचा स्थान प्रदान करी। जोड़ते जोड़ते चली अवर करा तारे जोड़े वर हो नगा विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। अवतार के उद्देश्य ल पूरा करे वर ही जंगल जंगल जात है ना। ऋषि मुनि मन के आश्रम में जाकर के सब लपन साथ में जोड़ी भगवान। निश्चरहीन करो मही भुज उठा के प्रतिज्ञा करी निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण किन है और सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन है। सब लपन साथ में जोड़ यहाँ तक जंगल के कोल भील मल्ला अनपढ़ जमार मल्ला घल भगवान अपन साथ में जोड़ी। बेंद्रम हलो मल्ला घलो जोड़ीस पशु पक्षी मल्ला घलो अपन साथ में भगवान है जोड़ीस। और जोड़ते 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 आगे बढ़त गीस और काला जोड़ीस आगे देखो समुद्र ल घलो जोड़ीस सागर ल घलो जोड़ीस सेतु बनाकर है ना। और वहाँ भगवान शिव जी के बढ़िया पूजा कर इसका पर शिव जी घलो जोड़ने वाला है भगवान शंकर घरों कमती जोड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज लिखे है शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदार। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदार। ते नर कर जी कलम धरी तोर नर तम दास बदले हरि हरि। मन मातरी धरी जपले धरी बोली लखन श्री राम चंद्र की जय। सुंदर सेतु के जब रचना हुई सजना भगवान राम देखते कि ये जगह तो बड़ा पवित्र है परम रम्य उत्तम यह धरणी महिमा जास जाय नहीं बरणी करिहा मीहा संभु प्रार्थना मोरे हृदय परम कल्पना। अवोदे बढ़िया शिवलिंग की स्थापना करीस और विधिवत पूजा करीस। और पूजा करते हुए भगवान है तो आज अपन वानर समूह मन के बीच में ये घोषणा करते हैं ऐलान करते हैं कि शंकर प्रेमम द्रोही शिव जी के समान प्रिय ये संसार में मोर वर कोई नहीं है। और जेन है शिव जी से प्रेम कर ही मोर से बैर कर ही या मोर से बैर करके शिव जी से प्रेम कर ही तो वह दोनों को नहीं पाए बल्कि घोर नरक में निवास करी। ते नर कर ही कलम भरी घोर नरक महू बास। शिवला मानने वाले रामला मानना पड़ी रामला मानने वाले शिवला मानना पड़ी। पहली जमाना में ये भेद रही सुनगा वैष्णव मत और शिव मत। शिव मत वाले मन कहें हमार शिव बड़े और वैष्णव मत वाले मन कहें हमार वैष्णव बड़े। जे शिव ल माने थे मन वैष्णव के अनादर करे निरादर करे और जे वैष्णव ल माने वो मन शिव के निरादर करे। ये दोनों मतलब एक में जोड़े पर ही भगवान यहाँ शिव जी के पूजा करी। काबर ये शिव और ये विष्णु में कोई अंतर नहीं है कोई भेद नहीं है एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप है। अलग अलग देश अलग अलग समय और अलग अलग परिस्थिति के अनुसार भगवान अलग अलग रूप लेकर के आते थे। वही शिव है वही राम है वही कृष्ण है में कोई अंतर नहीं है।
कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन न्यारे न्यारे है पानी एक का एक। कबीर जी गल बात ल बोले, कोई कहता अल्लाह कोई कहता खुदा है, पर मैं इतना जानता हूँ कि तू किसी से नहीं जुदा है। राम कृष्ण में, शिव में, विष्णु में कोई अंतर नहीं है। तो जोड़े पर ये दोनों झगड़ा हो तो रही ना, दोनों मत वाले मन तेरा जोड़े पर। लंका वाले मन हाँ देखना, शिव ल माने और विष्णु से विरोध करे, एकर्षति भगवान है तो जोड़े से ही प्रयास करे। और शिव जी गलत कमती जोड़ने वाला है का, वो तो बड़ा खतरनाक जोड़ने वाला है। जिला सारी दुनिया छोड़ते तने लग भगवान शंकर है छोड़ते, जिला संसार वाले मन छोड़ते तेल शिव जी जोड़ते। तो राम जी के पूजा करे का भाव यही है कि हे भोलेनाथ तने भारी खतरनाक मन लग हलो, अपन साथ में जोड़े हस महाराज, मूर्ख लग हलो, महामूर्ख लग हलो है न, और नीच मन लग हला, भूत प्रेत मरी मसान ईसान पिसान डाकनी शाकनी प्रेत बैताल सनी गिरहा, ये दुनिया भर ल तोर संग में जोड़े हस, तो ये रावण ल महु जोड़े पर जाता वह मूर्ख हस जोड़ जाए, मैं ओकर विनाश नहीं चाहता, ओकर बिगाड़ नहीं चाहता है रावण, हम मोर साथ जुड़ जाए महाराज। एकर स्थिति तो पूजा करत हम कहूँ जोड़े जा, और सही बात है भगवान शिव जी के घर ल देखे परिवार ल देखे बड़ा खतरनाक खतरनाक। दो जन बेटा है लेकिन दो है, बड़े बेटा कार्तिक राम छः मुड़ी वाला, छोटे बेटा गणेश राम बड़ लंबा सौड़ वाला। कार्तिक के वाहन गरुड़ मयूर, गणेश जी के वाहन मूसुआ, शिव जी के वाहन बघुआ, माता पार्वती के शिव जी के वाहन बैला और माता पार्वती के वाहन बघुआ, ये मन एक छोर में रहे कोई फेका, सांप है मूसुआ है बघुआ है बैला है ना। एक दहर देखे तो ऊंचा ऊंचा देवता मन घला है, एक दहर भूत प्रेत मरी मसान मन घला है, एक दहर देखे तो एकदम हलाहल जहर है, एक दहर देखे तो चंद्रमा में अमृत घला है, एक तरफ देखे तो एकदम सबसे अपवित्र मुर्दा के राख घलो है, और एक तरफ देखे तो जटा में निर्मल गंगा घलो है। ऐसे विचित्र विचित्र मल अपन साथ में जोड़ करके रखे जी भगवान भोलेनाथ, तेकर सेति राम जी पूजा करते शंकर प्रेम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महु बास। व्यवहारिक जीवन में अगर देखा जाए तो एक है तन पिता है और एक है तन गुरु है नहीं, तो मत त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव जी तीनों लोग क्यों का भुवन के गुरु है, और राम है तो सब जन्म देने वाला पिता है। तो हमारे जीवन में दोनों के महत्व है तो कम नहीं है, ये दोनों में कौन ला छोटे और कौन ला बड़े कहे जाए ये निर्णय हो ही नहीं सके। वास्तव में अगर पिता नहीं होते ना तो हमारे जन्म नहीं होते, हम दुनिया में नहीं आते, और अगर गुरु नहीं होते तो जीवन जिए के हम लोग कला नहीं मिलती, जीवन जिए के रास्ता नहीं मिलती। तो जन्म देने वाले पिता और जीवन जिए के कला सिखाने वाला गुरु दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। घर में रामायण, घर में पोथी, घर में पुराण गीता जी, अरे घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है गुरु माता पिता जी। पोथी पढ़ के पंडित बने कोरा ज्ञान का काम के, शेर भर पंडिताई ले बढ़ के रति भर सेवा दाम के, करम धर्म दुसल सिखो या तोर करम है रीता जी, घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है गुरु माता पिता जी। तो घर के देवी देवता छोड़ के पथरा कर दोनों हाथ जोड़ के आदमी मंत्र पढ़त रहे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें पथरा के आगू में पाठ करे, और जन्म देवैया माता पिता से कभी ना मीठा बात करे। तो पथरा हर तो माता पिता, पथरा कर भारी पंडित बने आखी मुन की स्तुति कर, और घर में जीते जाते भगवान माँ बाप है तेकर कर सोच गोठिया घर मुहूनी है टेड़गर टेड़गर गोठिया, सुख शांति पथरा कर मांगे दंडवत नमस्कार करे, माता पिता पर श्रद्धा कड़वा रूखा व्यवहार करे, अरे अपने पाँव में टंगिया मार के दुनिया में कराए पधिता जी, घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देवता है गुरु माता पिता।
अभी घलो मौका है कान खोल के सुन, अभी घलो मौका है कान खोल के सुन, बिहनिया के भटके लहुर जा संझकुन, कृष्ण बलराम साखी है अब गवाही है राम सीता जी, घर ही सुंदर मंदिर है जहाँ देता है गुरु माता पिता जी। पिता भगवान कृष्ण है जंगल में जाके आँखी कान लमुंदे तपस्या कर रही है, नहीं नहीं जिंदगी भर माता पिता गुरु की आज्ञा के पालन करी। भगवान राम है तौन शुरू से ही माता पिता गुरु के आदेश लेकर के चले थे, तेकर से माता पिता गुरु के सदा सम्मान करो, जे गुरु के आदर करते ओकर जीवन है तन शुरू रहते और सही रास्ता में चलते, जे माता पिता के सम्मान करते वो बेटा जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करते उन्नति करते आगे बढ़ते जी, यही सीखा थे रामचरित मानस अमला। बोल ये राजा रामचंद्र की जय। तोर पाऊ मजरा कौन जनी का जग भरे परम शरण मोल तार ले बेटा, परम शरण मोल तार ले बेटा, कौशल्या के लाल कायो मार दे बेटा, ये कौशल्या के लाल कायो मार दे बेटा, परम शरण मोल तार ले बेटा, परम शरण मोल तार ले बेटा, कौशल्या के लाल बहुत बड़े पाप करे हाँ, मैं जानत बाबा बहुत
बड़े पाप करे हा, तुमन बड़े बड़े पापी ल माफ करे हा, तुमन बड़े बड़े पापी ल माफ करे हा। मैं जानत जावा बहुत बड़े पाप करे हा, मैं जानत जावा बहुत बड़े पाप करे हा, तुमन बड़े बड़े पापी ल माफ करे हा, तुमन बड़े बड़े पापी ल माफ करे हा। रामा माफ करे हा, रामा माफ करे हा। मोरो अपराध ना विसार दे बेटा, मोरो अपराध ना विसार दे बेटा, कौशल्या की लाल माला तार दे बेटा, ये कौशल्या की लाल माला तार दे बेटा। तू करुणा के सागर है, मन मेरा होगा जागर है, तू करुणा के सागर है, मन मेरा होगा गागर है। गागर में सागर समान कैसे, तेरे द्वारे मैं आऊं कैसे, तू तो बड़ा ही दयालु है, मन मेरा शंका जो है, तू करुणा के सागर है, मन मेरा फूटा जागर है, तू करुणा के सागर है, मन मेरा फूटा जागर है। बोलिए लखन श्री राम चंद्र की जय। मैंने कह दिया है पहले से ही कि मैं बार बार तालियां बजाने के लिए निवेदन नहीं करूंगा, क्योंकि ग्राम की भौरी छत्तीसगढ़ की वो धर्मधरा है जहां पर बड़े बड़े यहूदियों का जन्म हुआ। मैं सूची देख रहा